الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأخوائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزع الموازين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کے حوالے سے ہو رہا ہے. اسخ الکتب بعد کتاب اللہ بخاری. قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے. ان دنوں میں مدارس میں اختتام بخاری کے پروگرام ہو رہے ہیں. کل اس وقت میں اپنے استاذ مکرم حافظ اللہ کے مدرسہ میں موجود تھا. وہاں ختم بخاری کا پروگرام تھا. عطاء الرحمان صاحب کی تقریر اور پھر میں عاجز کی تقریر تھی. ہم رات تقریباً 10 بجے فارغ ہوئے. پرسوں بدیالوی صاحب کے مدرسے میں اختتام بخاری
तो मतलब है इन दिनों में बुखारी शरीफ की तकबीर हो रही है, तकरीबन तमाम मदारिस में हुस्ने इत्तेफाक कि इस दफा हमने मौकूफ आलै वाले तालबिल जो इस साल 8 थे उन्हें मैंने कहा कि आपको कुछ बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं ताकि आपकी निस्बत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला के साथ हो जाए कि मैंने अपने उस्ताद फाजिल दोबंद मौलाना नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह से पढ़ी और उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी हजरत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह के पास। तो मेरा एक वास्ता तुम्हारे दो वास्ते बन जाएंगे, तो गोया हम दारुल उलूम देवबंद में बैठ के पढ़ रहे हैं। सिर्फ ये वजह थी, इंशाल्लाह इसकी बरकात होंगी। बड़ी आसान सी बातें मैं अर्ज करूंगा ताकि हर एक के जहन में बात बैठ जाए। दूसरा ये है कि 2 साल हो गए मैं बुखारी शरीफ की तिलावत कर रहा हूं, 2 हिस्से मुकम्मल हो गई और 3रा हिस्सा बाकी है। थोड़ा थोड़ा करके मैं तिलावत करता हूं ताकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक तिलावत हो जाए। और ये उलमा का तजर्बा है कि बुखारी शरीफ का कोई ख़त्म करे यानी पूरी तिलावत करे, चाहे कुछ उलमा मिलके, चाहे बच्चियाँ मिलके, चाहे शेखुल हदीस मिलके, फिर जो दुआ भी करो वो कबूल होती है। क्योंकि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जब पढ़ाई जाती है जो दुआ होती है, तजर्बा है, वो दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन मैं वो पूरी नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, वो इंशाअल्लाह बाद में कभी प्रोग्राम करेंगे। तो आज इन तालिब इल्मों के लिए मैं आखिरी हदीस पाक बुखारी शरीफ की पढ़ाने लगा हूं। पहली बात यह है कि बुखारी शरीफ अल्लाह के नजदीक बड़ी मकबूल किताब है। मैं उन बदकिस्मतों को नहीं मानता, हिदायत की दुआ करता हूं जो इमाम बुखारी को अच्छा नहीं समझते और उनकी जबान से बखारी बखारी का लफ्ज होता है, चाहे वो मेरी जमात के क्यों ना हो, मैं उन्हें नहीं मानता। गुमराही में है ऐसा आदमी जो इमाम बुखारी पे हिट करता रहमहुल्लाह ताला। आज मेरे भाई अताउल्ला बदयालवी तशरीफ लाए इसी जगह पे बैठ के तलबा में ताजीती कलमात कहे बैठे रहे, तो बड़े दर्द दिल से ये बात कर रहे थे कि बदकिस्मत हैं वो लोग जो इमाम बुखारी पे हिट करते। चलो ये एक इल्मी बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ में 7275 हदीसें जो है नकल की है, और अगर तकरार को हटा दो कि एक हदीस इतनी दफा लाए, चलो एक दफा लाते हैं तो 4000 हदीसें बनती हैं। इमाम बुखारी जैसा मुख्सिन इस उम्मत में कोई नहीं है। मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है, मस्जिद बुखारी, उसमें इमाम बुखारी बैठ के हदीसें लिखते थे, तो उसको आज बुखारी मस्जिद कहा जाता है। गालबन ये जन्नतुल बकी की साइड पे है, मुझे सही उस जगह का इल्म नहीं, मैंने वो मस्जिद देखी है। इमाम बुखारी बड़े जहीन आदमी थे, 1,00,000 हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को
याद थी जो सही थी और जो उससे कम दर्जे की थी वो भी 100,000 हदीसें उन्हें याद थी। अपने आमाल अच्छे होंगे, अल्लाह राजी होगा। जब भी साले सवाब करो, जितना करो वो सबको सवाब पहुंचता है। कुर्बानी एक तो बेशक पूरी उम्मत के लिए कर दो। कुरान मजीद एक पढ़ा, एक पारा पढ़ा, एक रकू पढ़ा, पूरी उम्मत के लिए। पहले नाम लेके अपने अजीजों का, फिर कह दो या अल्लाह पूरी उम्मत को पहुंचा दे। इस तरह जब इसाले सवाब करो तो इमाम बुखारी का नाम लिया करो, इमाम वनीफा का नाम लिया करो वगैरह रहमहुल्लाह ताला। इमाम बुखारी की कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी, नाम मोहम्मद था, लकब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस था, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा। सन पैदाइश 13 शवाल 194 हिजरी है। जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा के बाद पैदा हुई है और वफात 256 हिजरी में हुई। मजे की बात है, बचपन में नाबीना हो गए, इनकी मां को ख्वाब आई, नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले, फरमाया तेरा बेटा सही हो जाएगा। बेटा फिर ऐसे सही हुआ कि अल्लाह ने कैसा काम इनसे लिया। इमाम बुखारी बाज के नजदीक शाफी थे। अगर भाई शाफी थे तो हमें फिर भी खुशी है कि मुकल्लिद थे। बाज लोगों ने बड़ा जोर दिया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह शाफी थे, तो अगर किसी को यह खुशी है कि हनफी तो नहीं थे, तो शाफी और हनफियों में तकरीबन 55 मसाइल है, 55 आपस में इख्तिलाफ है, वरना ये सारे अइमा एक ही हैं और ये आपस में कोई बोझ नाद ऐसी चीजें को नहीं रखते थे, इल्मी इख्तिलाफ था। इमाम इब्ने कय्यिम जिनका मैं नाम लेता रहता हूँ रहमहुल्लाह ताला, वो फरमाते नहीं यार इमाम बुखारी मेरी ताकीक है हम्बली थे, तो फिर भी हमें खुशी है मुकल्लिद थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की तकलीद करते थे। और अल्लामा ताहिरी, अल्लामा ताहिर अल जज़ायरी और अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी मेरे दादा उस्ताद रहमहुल्लाह ताला के नजदीक ये मुज्तहिद मुतलक थे, तो फिर भी हमारा पलड़ा भारी रहा। मुकल्लिद थे तो हम तकलीद के भी कायल हैं, और अगर मुज्तहिद थे जैसे इमाम वनीफा मुज्तहिद थे तो हमारे लिए खुशी है। या मुज्तहिद थे या मुकल्लिद थे, तीसरे नहीं थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया। मैं कहा करता हूं इन दिनों में जहां भी मौका मिले तकरीर का कि सारे अइम्मा ने अपने अपने जिम्मे काम ले लिया। इमाम तिर्मिजी ने कहा अइम्मा का इख्तिलाफ बयान करूंगा, इमाम अबू दाऊद ने कहा मैं दलील दूंगा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने फरमा मैं ढेर लगा दूंगा दलाइल के, इमाम निसाई ने कहा मैं खुफिया बातें कोई कमजोरी हुई तो वो बयान कर दूंगा, इस हदीस में ये फर्क है। इब्ने माजा रहमतुल्लाह खड़े हुए 6 किताबों में से इब्ने माजा, उनने कहा मैं हाकिम हूं मैं फैसला कर दूंगा तुझे। इमाम बुखारी ने क्या किया रहमतुल्लाह ने, उन्होंने कहा मैं वो काम करूंगा जो इमाम अबू हनीफा ने किया है रहमतुल्लाह। देखा, इन लोगों का कोई आपस में तासुब और जिद और बोझ कोई नहीं। इमाम बुखारी कभी इतराज करते हैं काल अबाज उन्नास, काल अबाज उन्नास,
उससे मुराद लेते हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह पे कोई हिट और इल्मी इख्तलाफ किसी के साथ हो तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का बड़ा मकाम है कि हदीसें इकट्ठी करके उम्मत को दे दी हैं, और अंदाज क्या है, दावा करते हैं, दलील में हदीस लाते हैं, चाहे एक हदीस को 13 दफा लाना पड़े, 10 क्यों, इससे ये मसला भी निकलता है, इससे ये मसला भी निकलता है, इससे ये मसला भी निकलता है। हदीस किसको कहते हैं? हदीस कदीम के मुकाबले में है। कदीम वो चीज जिसकी इब्तदाई कोई नहीं, पुरानी, आम होता है ना वो कदीम आसारे कदीमा, कदीम बस्ती है फला है। कुरान मजीद कदीम है और हदीस से मुराद है नई चीज। ये मेरे आका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अतहर से निकली हुई चीज है। वह अम्मा बिनिमत रब्बिका फहद्दिस, हदीस की तारीफ यह है कि मेरे आका ने कोई बात फरमाई या काम किया या आपके सामने किया गया और आपने मना नहीं किया, इसको हदीस कहते हैं। या सहाबी ने बात कही या किया काम या उसके सामने किया गया और उसने मना नहीं किया, ताबी जिसने सहाबी को देखा ईमान की हालत में फिर फौत हो गया, उसकी जबान से बात निकली या काम किया या उसके सामने हुआ और मना नहीं किया, इन सब पे हदीस बोली जाती है। फिर हदीस के दर्जे होते हैं, मरफू है, मौकूफ है, मकतू है, लंबी बातें हैं, मुतवातर है, मशहूर है, खबर वाहिद है, अजीज है, गरीब है, शाज है, मुनकर है, मुअल्लल है, लंबी बातें हैं, वो उलमा की बातें हैं। हदीस की तारीफ तो आप समझ गए कि मेरे आका की जबान से बात निकली या आपके हाथ से काम हुआ, आजा से काम हुआ या आपके सामने हुआ और आपने मना नहीं किया, इसको हदीस कहते हैं। हदीस का मौजू क्या है? हदीस का हर चीज का होता है ना, यार आज फलां मुकर्रर ने तकरीर की, मौजू क्या था? ये मौजू था जी नमाज, रोजा, जक़ात, हज, जिहाद वगैरह। तो हदीस का मौजू क्या है, आप खुश हो जाएंगे। कुर्बान जाऊं, दुनिया में मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन ये मौजू मुझे किसी का नहीं मिला है, सुभान अल्लाह। हदीस का मौजू मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हदीस का मौजू है। यार वो जलसा है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मौजू है। यार जलसा है, मौजू है शान सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला नो, यार जलसा है मौजू, उसमें जिहाद है। तो हदीस का जो मौजू है ना, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात मुबारक है, मिन खैसु अन्नहु नबी, उनके वो नबी है, रसूल है। हदीस का ये मौजू है, सुबहान अल्लाह। फिर हर चीज की एक गरज होती है। बाबा अकबर हमारा गया लाहौर, गरज क्या थी जी? पेंशन लेने के लिए। एक गरज होती है हर काम की, हदीस की गरज क्या है? अल्फौजो जी बिस्सआदतैन, दोनों सआदतें मिल जाए, आदमी दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखरत में भी कामयाब हो जाए, ये हदीस की गरज और ये हदीस की इंतहा है। फिर मौलाना गुलजार साहब जगने वाले बैठे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हदीस पढ़ी है। एक है हदीस की फजीलत, एक है हदीस का मकाम। फजीलत दूसरे नंबर पे है, पहले कुरान फिर हदीस, ये फजीलत और बुजुर्गी है, अल्लाह अकबर। और इसकी तालीम आखिर में है, ये बात बड़ी जरूरी है। हमारे मदरसे में कोई धक्का शाही करे या उस्ताद किसी वजह से शुरू करा दे, वरना जब तक हम सारे उलूम ना पढ़ लें हम बुखारी नहीं पढ़ सकते, ये समझ ही नहीं आती है। जो उर्दू का तर्जमा पढ़ लेता है हदीस की गुस्ताखी करता है,
बहुत मुश्किल है, 7-8 साल 10 साल पढ़ो फिर बुखारी शरीफ समझ आती है। इधर दूसरा दर्जा है मकाम में, लेकिन तालीम के लिहाज से सबसे आखिर में बुखारी शरीफ पढ़ी जाती है। हम थोड़े से थोड़े मेहनती थे, कुछ जहानत भी थी, आलिम दीन के घर पैदा हुए, वालिद और वालदा ने तरबियत की, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, 8वें साल उस्ताजों ने बुखारी शरीफ पढ़ाई। इसी तरह सारे उलमा, सारे फुजला, सारे उलूम पढ़ के फिर पढ़ते हैं। हमारे मदरसों में 14 उलूम है, 14। जब तक वो उलूम ना आते हो बुखारी बिल्कुल समझ नहीं आती। मैंने उस दिन अताउर्रहमान साहब और उस्मान साहब को एक दुकान दिखाई कि ये दुकान देखी है, यहां एक फाजिल देवबंद हकीम होते थे जिनका नाम था बाबा इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर उनके साथ मस्जिद भी है, बाबा इब्राहिम वाली मस्जिद। मैंने कहा कुछ दिन मैं इनकी दुकान में पढ़ने के लिए आता था, मैबजी फलसफा की किताब है, ये हकीम थे बड़े माहिर थे। मैंने मिन्नत की तो कहा फलां टाइम पे आ जाया करो, उस वक्त मरीज कम होते हैं, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। हमारे उलमा जब तक उलूम ना आते हो सारे तो बुखारी नहीं पढ़ाते। बुखारी शरीफ में 73 किताबें हैं, किताबुल ईमान, ईमान की सारी हदीसें, किताबुल इल्म, इल्म पे सारी हदीसें, किताबुस सलात, नमाज के बारे में सारी हदीसें, किताबुस ज़कात, ज़कात के बारे में सारी हदीसें, मैं आसान करूं, किताबुल बुजू, खरीदो फरोख्त के बारे में सारी हदीसें, किताबुल हज, किताबुल सौम, जी सारी किताबों का जिक्र है इसमें, 73 किताबें हैं। जरा आप ये बात याद कर लें कि हमें अपने फकीर उस्ताद ने कहा है कि 73 किताबें इमाम बुखारी लाए हैं, कोई छोड़ी नहीं है। तो ये जो बिदआत हैं, ईद मिलादुन्नबी, इसका जिक्र इमाम बुखारी ने क्यों नहीं किया, है ही कोई नहीं। तीजा, चौथा, 10वां 40वां सालगिरह का कोई जिक्र नहीं किया, है ही कोई नहीं। रजब में जो कूंडे हैं, बिदआत हैं, इनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि है ही कोई नहीं। सफर का महीना, उसमें जो चूरियां कई इलाके में पकाते हैं, उसका जिक्र इमाम बुखारी ने नहीं किया, है ही कोई नहीं। इसलिए 73 किताबें हैं बुखारी शरीफ में। पहली जो किताब लाए ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला, वो किताबुल ईमान है। ईमान से शुरू की है बात, क्यों, ईमान के बगैर गुजारा नहीं है। किताबुल ईमान यहां से शुरू किया। और एक मजे की बात है, पहली हदीस 7275 हदीसों में इमाम बुखारी जो पहली हदीस लाए हैं ना, वो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, सुभान अल्लाह, वो मुहाजिर है। और आखिरी हदीस जो लाए हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से है, ये भी मुहाजिर है। तो इशारा कर दिया, उन्होंने इलाका छोड़ा, हिजरत की, तुम गुनाह को छोड़ दो, ये भी हिजरत है। ये इमाम बुखारी का कमाल है। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पहली हदीस में कहा हद्दसन अल हुमैदी, हमें हुमैदी ने बताया, वो उनके उस्ताद थे, हुमैदी हमद से है। और जब इमाम बुखारी आखिरी हदीस लाए हैं तो फरमाया अहमद, पहले हुमैदी फिर अहमद, दोनों का मादा हमद है। इमाम बुखारी ने इशारा कर दिया, इस बुखारी में हमद, हुमैदी, अहमद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें होंगी। समझो ना कैसे गहरे लोग, कोई और हदीस भी ला सकते थे। हद्दसन अल हुमैदी, हुमैदी का जिक्र किया, अहमद, अहमद का जिक्र किया, और हुमैदी और अहमद दोनों बने हैं हामद से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इधर भी इशारा कर दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भी इशारा कर दिया। फिर एक होता है मसदर, एक होता है मर्जा। इमाम बुखारी ने मसदर और इब्तिदा बनाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। और बुखारी पढ़ने वालों पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो। कोई किताब भी है ना, मुसन्निफ पहले में पहले लिख देता है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर नहीं लिखता तो पढ़ता जरूर है, अमलों का दारो मदार नीयतों के साथ है। मौला शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह एक आदमी के पास गए, उसने आगे बेटे को कहा कि उस मशक से पानी लाओ जो मैं पहली दफा हज पे गया था मशक लेके आया था। वो हमारी तरह नहीं कि लोगों की गिरफ्त ना करें। तो मौला अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जुमला एक बोला है ना कि पहली दफा मैं गया, रियाकारी करते हो, दो हजों का सवाब, दो जो किए हैं दोनों का सवाब जाय कर दिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों के साथ है। इसलिए पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये मस्तर है। और आगे जो है वो मर्जा क्या है, मर्जा ये है कि दो कलमे तुम्हें बताए मेरे आका ने कि जबान पे हल्के हैं, तराजू में बोझल हैं, भारी हैं, वो पढ़ोगे तो नामे आमाल में बहुत सवाब लिखा जाएगा। दरिया की झाग के बराबर इंसान के गुनाह हो, इंसान सच्चे दिल से पढ़े सुभान अल्लाह व बिहम्दिहि सुभान अल्लाह अल अज़ीम, अल्लाह वो गुनाह मुआफ फरमा देते। अब आखिर में इमाम बुखारी क्या किताब लाए, ये तो समझे ना, किताबुल ईमान। और आखिर में क्या किताब लाए, किताब तौहीद। ये बड़ी खुशी की बात है। क्या बात समझाइए, शुरू की तो फरमाया अमलों का दारो मदार नियतों के साथ है, किताबुल ईमान की, ईमान लाओ ईमान लाओ ईमान लाओ, पक्के मोमिन हो जाओ। और जब मुकम्मल करने लगे तो फिर फरमा किताब तौहीद। जहमिया का रद किया है, वो इल्मी बात है। किताब तौहीद के इब्तिदा में भी तौहीद है और इंतहा में भी तौहीद का जिक्र है। आखिरी किताब में तौहीद 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 का जिक्र है। यार यकीन करना, इमाम बुखारी की जब मैं जहानत को देखता हूँ ना, अजमत को देखता हूँ, तो कहना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा बड़ा आदमी था। एक बुजुर्ग थे, फरमाते थे इमाम बुखारी पहली हदीस लाए इन्नमल आमालु बिन्नियात और आखिर में लाए हैं वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। कैसी जबरदस्त बात है कि इमाम बुखारी ने कहा अमल कर, नियत दुरुस्त रख, आखिर में हिसाब होना है, क़यामत के दिन हिसाब होने। कमाल किया है, 7275 हदीसें लाए हैं लेकिन आखिर में लाए हैं बाबु कौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन तराजू रखेंगे इंसाफ वाला। फिर कई बदबख्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने शिर्क किया, कुफ्र किया, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, फरमाया हम उनकी तरकड़ी और तराजू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे अल्लाह, फरमाया मुकाबले में नेक आमाल होंगी नहीं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। क़यामत के दिन नेकियों वाला पलड़ा भारी हो गया और जन्नत में चले गए, हल्का हो गया तो दोज़ख में चले गए। ज़ालिक यौमुत तगाबुन, ये दिन है हार जीत का। अल्लाह फरमाते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ठिकाना जन्नत होगा। तो बाब आखिर में क्या है, किताब तौहीद। हम रखेंगे तराजू इंसाफ वाला क़यामत के दिन।
और दूसरा फरमाया व अन्न आमाल बनी आदम व कौलहुम यूजन, बनी आदम के आमाल और उनकी जितने अकवाल है सब का वजन होगा। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, मेरी नमाज आपकी नमाज, मेरी जकात आपकी जकात, मेरा हज आपका हज, मेरा अमल आपका अमल, उसका तो जिस्म कोई नहीं, वजन कैसे होगा? ये बड़ी अहम बात है, वजन कैसे होगा? जिस्म ही कोई नहीं, कोई जिस्म हो तो तरकड़ी में रखो, तराजू में रखो तो वजन करेंगे, कांटे पे रखो तो वजन करेंगे, इस तरह इन चीजों का वजन क्या होगा? यहां फिर बाजों ने जवाब दिया है और बड़ा अच्छा जवाब दिया। और पहले एक बात समझ लें, मसनवी मौला रूमी रहे मौला की किताब है, हमें नहीं आती, मौलवियों को नहीं आती, लेकिन जो कुछ आती है वो तो सुनाए लोगों। हजरत रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे, तू नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी करता है, तिलावत भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं है, हसद कर कर के तूने अपने आमाल का नूर खत्म कर दिया है। ये मौलाना रूमी मसनवी में फरमाते हैं कि नेकियां तेरी हैं, चेहरे पे नूर कोई नहीं है, और नूर सफेदी को नहीं कहते, वरना हजरत बिलाल के फिर चेहरे पे नूर ना होता, ऐसा नूर था कि जन्नत की हूरे भी मुश्ताक थी कि ये मेरा दूल्हा बन जाए, दूसरी कहती है मेरा दूल्हा बन जाए। वो एक नूर होता है, चाहे रंग काला भी हो ना, वो एक चमक होती है। वह ईमान समझते हैं कि इसके चेहरे पे नूर है। तो मैं फिर बात दोहरा दूं, तू नेकियां तो करता है, नमाज रोजा, चेहरे पे नूर नहीं, क्योंकि हसद करके, गीबत करके, बुग्ज रख के, चुगलियां खा के तूने अपने आमाल का नूर खत्म कर दिया। मुझे बताओ ना, अगर यहां मैं पूछूं फलां गुनाह तो आपका उस्ताद ही कोई नहीं किया, मैं मुझे पता है आप कहेंगे अल्लाह का आप पे एहसान है, फलां गुनाह उस्ताद ही किया था, तौबा कर ली। मुझे बताओ कोई ये कहे मैं गीबत नहीं करता, मैं जी चोली नहीं करता, मेरे दिल में किसी का कीना नहीं है, होंगे लेकिन कम लोग होंगे। और खुदा न खास्ता हसद आ जाए, फलां की इज्जत क्यों, फलां का सुकून क्यों, तो फरमा हसद से नेकियों का नूर खत्म हो जाता है। तो अब क्या जवाब देंगे कि क्यामत के दिन जितनी नेकियां होंगी ना, जितनी नेकियां, उनका एक जिस्म होगा, जिस तरह बरजख में जो कब्र दी जाती है ना, वहां अगर आदमी नेक है मर्द औरत तो एक खूबसूरत जिस्म का आदमी आता है और आदमी कहता है तू कौन है, वो कहता है मैं तेरे अमल हूं, और अगर नाकाम हो तो बदशकल आदमी, तू कौन है, मैं तेरे आमाल हूं। तो मालूम हुआ नेकियां और गुनाह क्यामत के दिन उनका जिस्म होगा। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी, वो ये कि बनी आदम के आमाल और अकवाल सब का वजन होगा। पहले अल्लाह जिस्म बना देगा, जिस्म के बाद उनका वजन कर लेगा। बात ही कोई आदमी तादी से नेमत के तौर पे बात करे वो फख्र नहीं होता है, वो अल्लाह राजी होता है कि ये शुक्र अदा कर रहा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुश्किल से मुश्किल बात हो तो मैं वो अगले के जेहन में बिठा देता हूं, मेरी तदरीस अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से इसीलिए कामयाब है कि मैं बात समझा लेता हूं। आमाल जितने भी हैं, अफाल जितने भी हैं, कौल जितने भी हैं, क्यामत के दिन इनका जिस्म होगा। नमाज का अपना जिस्म, रोजे का अपना जिस्म, जकात का अपना जिस्म, जिहाद का अब इनका वजन हो जाएगा। जिस तरह क्यामत के दिन एक आदमी कहेगा मेरी कोई नेकी नहीं, एक उड़ता हुआ कागज आएगा, लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, उसने इतने खुलूस से पढ़ा होगा, खुलूस से पढ़ा होगा, एक पलड़े में उसे रखा जाएगा, एक में गुनाहों को रखा जाएगा, ये कलमे वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन हर किसी का नहीं, जिसने सच्चे दिल से पढ़ा, खुलूस से पढ़ा। तो फिर बात अब वाज़े हो गई, बनी आदम के आमाल और उनके कौल सब का वजन होगा। मुजाहिद कहता है कि ये जो अल कुस्तास है ना, इसको कहते हैं आदल,
तो अल्लाह फरमाते हैं आदल आदल क्यामत के दिन तराजू हम इंसाफ वाला रखेंगे कि नेकियां की और सवाब ना मिले, गुनाह किया और सजा ज्यादा मिले, ये कोई नहीं होगा। अल आदलो बिर्रूमिया, इमाम बुखारी फरमाते हैं लफ्ज आदल किस्तास आदल को कहते हैं रूमी जबान में, देख रहे हो किताब पे। कहा जाता है अल किस्त मस्दरुल मुक्सित, मैं आज से कोई 30 साल पहले काजी इस्मतुल्ला रहमहुल्लाह ताला की तकरीर सुनी थी इन अल्फाज पे जामिया सिद्दीकिया में, बड़ा प्रोग्राम होता था, तो काजी इस्मतुल्ला रहमहुल्लाह इस चीज को बयान कर रहे थे, वो मैं दोहरा रहा हूं कि फरमा रहे थे किस मस्दरुल मुक्सित, कि कहना चाहिए था इमाम बुखारी को अल किस्तो मस्दरुल इकसात, इकसात तो बोल दिया मुक्सित, तो काजी इस्मतुल्ला रहमहुल्लाह ने फरमाया था इमाम बुखारी कभी तसामो कर जाते हैं, मुसामहत कर जाते हैं, चश्मपोशी कर जाते हैं, ऐसी बात कर जाते हैं, जाहिरन वो नहीं होती लेकिन हकीकत में सही होती है, वो डूब की बात करते हैं, गोता लगा के करते हैं, गलत नहीं होती जी। तो अल किस मस्दरुल मुक्सित, अपना तफन्नुन जाहिर कर गए हैं कि ये जो किस्त है, आप हजरात बैठे तो परेशान ना हो कि उस्ताद बयान कर रहे हैं हमें तो नहीं समझ, आपको समझ आ रही है और इस वक्त अल्लाह की रहमत बरस रही है, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ा रहा हूं, तो बहुत बरकतें और रहमतें और इस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए अल किस्त मस्दरुल मुक्सित, लेकिन मुराद मुक्सित से एक साथ है, मस्दरुल मस्तर बन गया, वहुवल आदिल, वहुवल आदिल मुक्सित कहते हैं इंसाफ करने वाले को। वह अमल कासित फहुवल जायर, जब लफ्ज कासित बोला जाए इससे मुराद जालिम होता है, अजीब बात नहीं, यही किस्त का लफज अदल पे भी बोला जाता है और यही लफज जुल्म पे भी बोला जाता है, जिस तरह कुरान में एक मकाम है वसीक अल्लज़ीन कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा, वसीक अल्लज़ीन तक़ौ इला जन्नत ज़ुमरा, दोनों में सीका है, लेकिन जब काफरों के बारे में तो फरमा चिक क्या जाएगा, जिस तरह जानवरों को कहते हैं चिक के ले गए, और जब अहले ईमान के बारे में तो अब सीका का मैना होगा बड़ी इज्जत के साथ चलाया जाएगा। तो ये जो किस का लफज है अल्लाह अकबर, इसका मैना आदिल भी है जब जरूरत हो, इसी का मैना जालिम भी है जब जरूरत हो। मैं एक बात करने लगा आप खुश होंगे, देखो क्या कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहते हो, और दज्जाल को भी क्या कहते हो मसीह, ये भी मसीह है वो भी मसीह है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मसीह का माना हाथ लगाते थे बेइज़्निल्लाह शिफा मिल जाती थी, उसे मसीह कहा कि उसकी आंख क्या होगी साफ जिस्म के दबी हुई होगी कोड़ा होगा, तो मालूम हुआ एक लफ्ज का माना मकाम को देख के बदल जाता है। तो इसी मुक्सित का मैना आदिल बन गया, कासित का मैना जायर बन गया। आगे चलो जी, हमें खबर दी है अहमद बिन अशकाब ने, इसको इशकाब भी पढ़ते हैं अशकाब भी, इशकाब ज्यादा बेहतर है, वो फरमाते हैं हमें खबर दी मोहम्मद बिन फुजैल ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अमारा बिन काका ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी है अबू जुरआ ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने। हदीस की जो सनद होती है ना वो बहुत जरूरी होती है, वो सनद बयान करनी चाहिए। मसलन ऐसे होता है मैंने पढ़ा उस्ताद मौलाना नूर मोहम्मद नव्वर अल्लाह मरकदहू से, उन्होंने पढ़ा अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी से, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी ने पढ़ा फला से, फला ने पढ़ा फला से, फला ने पढ़ा फला से, फला ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां बात पहुंच गई है।
इसको सनद कहते हैं। तो आप कहेंगे हमने उस्ताद हबीबुर रहमान से पढ़ा, उसने मौलाना नूर मोहम्मद से पढ़ा, मौलाना नूर मोहम्मद ने अनवर शाह काश्मीरी से पढ़ा, इसको सनद कहते हैं। इधर देखा कैसी सनद है, इमाम बुखारी कहते हैं अहमद बिन इब्ने यार इश्काब ने बताया, वो कहता है हमें मोहम्मद बिन फुजैल ने बताया, वो कहता है हमें यार अमारा बिन काका ने बताया, वो कहता है यार हमने अबू जुरा से सुना, अबू जुरा फरमाते हैं हमें हजरत अबू हुरैरा ने बताया रजी अल्लाह ताला अन। यहां तक सनद पहुंच गई है। काल, ये भी आप जहन में रखना, साथ ही सुन लेंगे सवाब मिल जाएगा। कई तालिब इल्म पढ़ते हैं अन नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु, ये नहीं पढ़ना, काल काल रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना। मुझे यहाँ बात याद आई, मेरा दिल ज़रा ठहर जाता है तो आप भी खुश होंगे। मैं बुखारी शरीफ पढ़ता था, मेरे उस्ताजों के एक पोते थे, अब वो मज़लूम हैं, 17-18 साल हो गए हैं वो जेल में हैं। कोई शियों में हादसा हुआ था तो उनका जुल्मन नाम किसी ने दे दिया, इम्तिहान है, बहुत बेहतरीन कारी है, कारी महमूद साहब। तो वो अल्लाह करे इस सन में उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे, बहुत मजलूम है। वो जेल में है तो वालदा का भी इंतकाल हो गया, वालिद का भी इंतकाल हो गया रहमहुल्लाह ताला। तो मैं पढ़ता था 20-20 वर्क पढ़ता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। आप पूछे उधर जाके जहाँ मैंने पढ़ा है, जहाँ मैं हदीस पढ़ रहा होता था मेरे उस्ताद ऐसे बैठे होते थे, और जहाँ बाबे अकबर की दुकान है वहाँ एक मौला याकूब साहब थे, बहुत बड़े आलिम थे, वो कपड़े का कारोबार करते थे और खुश होते थे, मुझे कहते थे यार हबीबुर रहमान तू इबारत पढ़ता है, मैं सारी उधर सुनता हूँ इबारत, आवाज़ थी, सेहत थी। तो हम बड़ी स्पीड में इबारत पढ़ते थे। तो वो जो उस्तादों का पोता था उस वक्त बिल्कुल छोटा सा था, अब उसे शौक आती थी कि दादा के पास ये पढ़ता है, तो फिर वो ये करता था काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लैल इज़ा सजा वल्लैल इज़ा यग्शा, इस शौक से वो ऐसे पढ़ता रहता था, छोटा बच्चा था। अल्लाह पाक उस मेरे भाई की परेशानी दूर फरमाए, वो हमारी भी परेशानी, इतने अरसे से बेचारे और चंद और नौजवान जो अब बूढ़े हो गए हैं वो भी साथ जेल में हैं और कोई उनका कसूर नहीं है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा कलिमतान हबीबतान लर्रहमान, दो कलमे हैं रहमान को बड़े महबूब हैं। और ये जहन में रखना, ये जो लफ्ज़ से कलमा है ना, ये कलाम पे बोला जाता है, वरना कलमा होता है सिर्फ एक लफ्ज, जैद ये कलमा है, जालिस ये कलमा है, किताब ये कलमा है, ये किताब ऐसे है, अब ये कलाम बनेगा। लेकिन कभी कलमा कलाम पे बोला जाता है। अगर कोई कहे उस्ताद जी कोई आसान सी मिसाल दो कि कलमा कलाम पे कैसे बोला जाता है, बोला जाता है कैसे, मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलाम है, कहते क्या हो कलमा तैयबा। तो मालूम हुआ कलमा कलाम पे बोला जाता है। आप बेशक किसी को कहो यार सारे कहते हो कलमा तैयबा, ये तो कलाम है, कलाम और होती है, कलमा और होता है, कलमा होता है एक लफज, कलाम होती है कम अज कम दो लफज, तो फिर कलमा तैयबा क्यों कहते हो, हालांकि कलाम है, कलमा कलाम पे बोला जाता है। कलमा अल्फिया एक किताब है नाम की, उसमें हजार शेर हैं, हजार शेर उसमें लिखा हुआ है कि कलमा आम है, कभी कलाम पे भी बोला जाता है। दो कलमे हैं, हबीब किसको कहते हैं पता है, हबीबतान, हबीबतान, हबीब किसको कहते हैं जो महबूब हो, जो, तो दो कलमे हैं हबीबतान जो महबूब हैं रहमान को, अल्लाह को बड़े पसंद हैं। अगर पता चल जाए कि मेरा उस्ताद ये चीज़ पसंद करता है तो मेरे घर में उस्ताद आए तो मैं वो चीज़ पकाऊंगा कि उस्ताद पसंद करते हैं, ना फला आदमी ये चीज़ पसंद करता है, तो अल्लाह को दो कलमे बड़े पसंद हैं, खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पे बड़े हल्के हैं, कोई बोझ नहीं है उनका। ये जो मैं चीज़ बयान करना को ज़िंदगी में याद रखना,
मैंने एक दफ़ा बदयालवी साहब को ये बताई थी बात, तो उन्होंने फरमाया था कोई किताब तलाश करो जिसमें ये बात हो। तो फिर उन्होंने फरमाया था आज से 20 साल पहले कि यार किसी न किसी किताब में तो होगी ना। तो मैंने ये बातें सुनी थी सैयद नेलवी शाह साहब रहमहुल्लाह ताला से, तो मैंने याद कर ली थी। ये हल्के क्यों हैं? हल्के भारी नहीं है। दो कलमे हल्के क्यों हैं? इसलिए हल्के हैं कि इसम फेल हरफ तीन चीजें हैं। इसम फेल हरफ, फेल सकील होता है सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह में अजीम में फेल कोई नहीं है। हरफ और इसम है ना, इसलिए खफीफतान अलल लिसान है। दूसरे नंबर पे क्यों हल्के हैं? मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ वो होता है जिस पे जेर भी नहीं आ सकती और दो जबरें दो जेरें दो पेशे नहीं आ सकती। पता है ना गैर मुनसरिफ तनवीन भी नहीं आती, जेर भी नहीं आती। मसलन लफ्ज़ से उमर है ना, उमर उमरा उमरो पढ़ेंगे, उमरे नहीं पढ़ सकते, उमरुन नहीं पढ़ सकते, कोई पढ़ेगा तो गलत करेगा, गैर मुनसरिफ है। इसको खफीफतान अलल लिसान क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनमें गैर मुनसरिफ कोई नहीं है। ये बात कारी नूर उमर साहब समझेंगे या कारी सईद साहब, कारी इनामुल्ला साहब समझेंगे, अताउरहमान साहब समझेंगे, हमें नहीं समझ आए, लेकिन हमने रट्टा लगा हुआ वो बयान कर देते हैं कि इनको खफीफतान इसलिए कहा कि कारियों के नज़दीक जो हरूफ मुस्तालिया मुतबका है ना वो शकील होते हैं, भारी होते हैं। और ये जो दो है ना सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलअज़ीम, इनमें मुस्तालिया मुतबका कोई नहीं है। हरूफ की किस्में होती हैं, ये कारिया हजरात और कारी जानते हैं। इसलिए खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे ज़बान पे बिल्कुल हल्के हैं, कोई महसूस ही नहीं होता मैंने क्या कहा है। लेकिन सकीलता ने फिल मीज़ान, तराजू में बड़े भारी हैं, बहुत वजन है उसको। यकीन करना, अगर हमें आखरत के बारे में यकीन हो ना, यकीन यकीन हो तो फिर हम हर वक्त पढ़ते रहे सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दी। क्यों? मेरे आका ने फरमाया ज़बान पे हल्के हैं, तराजू में बहुत भारी हैं, लेकिन आखरत के बारे में यकीन हो। मैंने एक आदमी के बारे में सुना कि वो कहता था मैं तो ऐसे बैठा हूँ जैसे बैग तैयार है, कपड़े तैयार हैं, जूतियाँ पहनी हुई हैं, बस बस आए तो मैं चला जाऊँ। जब वो दुनिया से चला गया तो मुझे किसी ने बताया वो ऐसे कहता था आखिरी उम्र में, तो मैंने कहा उसे आखरत का यकीन था। तो जिसे आखरत का यकीन है ना वो कहेगा यार दो कलमे जबान पे हल्के हैं, तराजू में भारी हैं, तो कितनी वक़्त है हमें पढ़ने चाहिए। और वो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह लदीम, पाक है अल्लाह और उसकी तारीफ, सुबहान अल्लाह लजीम पाक है अल्लाह जो बड़ी अजमतों वाला है सुबहान अल्लाह। यहाँ एक नौजवान बैठा है, मौलवी नहीं है। मैं हैरान हुआ कि मुझे एक दिन कहने लगा उस्ताद जी एक तखलिया होता है एक तालिया होता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी इल्मी बात है, यहाँ बैठा है। तो मैंने उसको कहा ये तो इतनी इल्मी बात है, तूने कहाँ से याद की? उसने कहा एक दिन आप पढ़ा रहे थे तो मैंने सुनी थी। इस तरह अपने जहन बनाओ, एक होता है तखलिया एक होता है तालिया। तखलिया ये होता है देखा है, ये रगड़ रहे हैं, ये रगड़ के साफ कर रहे हैं दीवार को, लोहे को, तांबे को, ये तखलिया कर लिया, इस पे बेहतरीन रंग करते हैं, ये तहलिया है। तहलिया रंग लगाना, साफ करना तहलिया है, और रंग लगाना ये क्या है? तो सुबहान अल्लाह ये तखलिया है, अल्लाह शरीकों से पाक, अल्लाह कमजोरियों से पाक, अल्लाह मौत से पाक, अल्लाह आजी से पाक, अल्लाह भूख और प्यास से पाक, अल्लाह कुंबे और कबीले से पाक, सुबहान अल्लाह तखलिया हो रहा है। वबे हमदी ही अल्लाह पाक है और अल्लाह की तारीफ, वबे हमदी ही अल्लाह की तारीफ करनी,
یہ تحلیہ ہے کہ سبحان اللہ کا تو نے صفائی کر دی ہے کہ اللہ پاک ہے، وبحمدہ وہ تعریفوں کے لائق ہے، وہ حمد کے لائق ہے، ہر وقت اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور وہ پسند کرتا ہے میری تعریفیں ہوتی رہیں، اور آخر میں کہا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو قربان جاؤں، مولا فضل الرحمان میں ان کا قائل ہوں، اگر آپ میں سے کوئی نہیں ہے تو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی شوق ہوتی ہے، میں سیاسیوں میں سے مولا فضل الرحمان مدظ العالی کو اور سیاسیوں سے اچھا سمجھتا ہوں، کوئی آپ کے ساتھ میرا کوئی، میں نہ میں سیاسی آدمی ہوں، میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں، کیونکہ کم از کم عالم ہیں، بڑے لوگوں کی اولاد ہیں اور علم والے ہیں، قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، جو بھی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ آخری حدیث پڑھائی تو بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا جس نے بخاری پڑھی نا تو آخر میں پڑھ رہا ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، اشارہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھو نا جب اٹھنے لگو تو کیا پڑھو، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا۔ تو امام بخاری نے کہا 8 سال پڑھتا رہا مدرسے میں، اب فارغ ہو کے جا رہا ہے، طالب علمی کی مجلس ختم ہو گئی، پڑھ لے آخر میں سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات کی مولا فضل الرحمان مدظ العالی نے کہ تیری اب مجلس ختم ہو گئی، زمانہ طالب علمی ختم ہو گیا، اب تو جا کے نا دین کا کام کرنا ہے، وہ علم والی طالب علمی والی ٹکڑے کھانے والی تیری مجلس ختم، آخر میں پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند میں طالب علم فارغ ہوتے تھے تو استاذ کیا کہتے تھے، ہم نے تمہیں طالب علم بنا دیا ہے، استاذ اور مولوی تو نے خود بننا ہے، اس وقت کہتے تھے۔ تو آج تو طالب علم نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی پڑھا 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 کے نا تو آدمی بس کہے میں طالب علم ہوں، پھر مزہ آتا ہے، اپنے آپ کو کبھی عالم نہ سمجھنا۔ میں جب میری سند استاد لکھنے لگے نا جہاں میں نے بخاری شریف پڑھی تو استاد مجھے کہنے لگے تیری سند پہ کیا لکھوں، تو میں نے کہا استاد جی جو آپ کی مرضی وہ لکھو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو استاد مذاق سے کہنے لگے میں سند پہ لکھوں گا قادرن علی الطعام، کھانا اچھا کھا لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ استاد جی بے شک یہ لکھ دے میں خوش ہوں۔ پھر استاذوں نے کیا لکھا، میری سند دفتر میں لگی ہوئی ہے، وَهُوَ عِنْدَ نَازُ تَبْعٍ سَلِيمٍ وَقَابِلِ التَّدْرِيسِ وَالتَّبْلِيغِ، یہ ہمارے پاس ذہین طالب علم تھا، تدریس بھی انشاءاللہ کرے گا اور تبلیغ بھی کرے گا، لیکن پہلے مذاق میں کہا میں لکھوں گا قادرٌ عَلَى الطَّعَام، روٹی بڑی اچھی کھا لیتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ مجلس ختم ہونے لگی تو پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 3 چیزیں ہیں کامیابی کی، ایک ہے مجاہدہ ولی عمر، دوسرا ہے مبادلہ، تیسرا ہے وصول اللہ۔ مجاہدہ یہ ہے گناہ پہ غالب رہو، جتنے گناہ ہیں نا آ فلاں گناہ میں تجھ پہ غالب ہوں، میں تجھے لٹا کے میں اوپر بیٹھ جاؤں، مزہ آتا ہے اس بات کرنے میں، گناہوں پہ غالب رہنا یہ مجاہدہ ہے۔ اچھا نیکیوں پہ غالب رہنا یہ مبادلہ ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں، تو مبادلہ ہو گیا۔ اور تیسری چیز ہے پھر وصول اللہ، وصول اللہ، آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے، بیٹھا فرش پہ ہے جب بات کرتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے، اِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، وہ پھر اپنا اس کی روح نکل جاتی ہے اور جا کے اللہ کے عرش کے ساتھ پایا پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے مزہ تب آتا ہے کہ جب آدمی کی یہ حالت بن جائے، وصول اللہ، اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ یہ قاری عبدالباس صاحب کی آپ نے تلاوتیں سنی ہیں، جو میں بات کرنے لگوں زندگی میں آئندہ آپ نے ان کے بارے میں یہ ذہن رکھنا ہے، کیا کہ اب قاری عبدالباس صاحب کی تلاوت کیوں ہر کوئی پسند کرتا ہے، قاری عبدالباس صاحب جب تلاوت کرتے تھے ان کی روح عرش تک پہنچ جاتی تھی، کیا مطلب، روح تو قیامت کے دن
आएगी और मौत की वक्त निकलती है। इसका मतलब यह है कि जब वो तिलावत करते थे तो इतना रूह का ताल्लुक बनता था गोया अर्श पे पहुंच जाती थी। तो जब इंसान बैठा मंडियाला में मस्जिद में हो तो करे ना ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है कि रूह अर्श तक पहुंच जाता है। मकसद यह है ओ पूरा अर्श के साय के नीचे आदमी आ जाता है। इसलिए अब ख्याल करना सुबहानल्लाह ये मुजाहदा है, वबिहम्दिही ये मुबादला है, सुबहानल्लाहिल्लाज़ीम सुबहानल्लाहिल्लाज़ीम ये वसूल इलल्लाह है। आदमी अल्लाह तक पहुंच जाता है, अल्लाह तक पहुंच जाता है। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक आदमी बैठा था। मैं हज़ार दफ़ा कहूँ तो कोई असर नहीं, आप हज़ार दफ़ा कहें क्या, क्योंकि हम गुनहगार हैं, निकम्मे हैं, कीचड़ भरे हैं। अल्लाह वाले ने एक दफा कहा अल्लाह अल्लाह, तो वो जो आदमी था वो कहता है इतना कहने से अल्लाह, कहता है मेरी दुनिया ही बदल गई, मेरे दिल में लफ्ज़ अल्लाह आ गया। जबान पे अल्लाह आता रहे सवाब मिलेगा, काम बनेगा जब दिल में आ जाए अल्लाह 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 अल्लाह, अब बात बनेगी। अब वो चलेगा इस फर्श पे तो जन्नत उसकी मुश्ताक होगी। तो बुहारी शरीफ की आखिरी हदीस भाई सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह पाक है, बड़ी अजमतों वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़े शौक शौक से सुनी। जिन तालिबे इल्मों ने बुहारी शरीफ का कुछ हिस्सा 73 किताबें जो इसमें हैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ी हैं, मेरा मकसद था बरकत हासिल हो जाए। अल्लाह पाक इन्हें आलिम बामल बनाए, मुकर्रर बामल बनाए, मुदर्रिस बामल बनाए। अल्लाह वालदैन के लिए, हमारे लिए, मदरसा वालों के लिए सदकाए जारिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन। अल्लाह बुखारी शरीफ का जो हिस्सा पढ़ा पढ़ाया यकीनन बेअदबी गुस्ताखी हो गई होगी, मुआफ़ फरमा दो। इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचा दो, अजवाज मुत्तहरात बनात बनून अहले बैत तमाम की रूहों को पहुँचा दो। इसका सवाब सहाबा किराम सहाबियात ताबीन तबा ताबीन की अरवाह को पहुँचा दो, आइम्मा की अरवाह को पहुँचा दो, इमाम बुखारी वगैरह जितने आइम्मा उनकी अरवाह को पहुँचा दो, आइम्मा अरबा इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम मालिक वगैरह की अरवाह को पहुँचा दो। इसका सवाब तमाम उलमाए हक के अरवाह को पहुँचा दो। इसका सवाब पूरी उम्मत में अवाम खवास नेक गुनहगारों को पहुँचा दो। इसका सवाब ऐ अल्लाह मेरी वालदा मोहतरमा की रूह को पहुँचा दो, मेरे वालिद साहब की रूह को पहुँचा दो, जितने हजरात हमारे इस मस्जिद के बुज़ुर्ग माएँ बहनें मर्द औरत रुखसत हो गए तमाम की अरवाह को पहुँचा दो, जितने लोग बैठे हैं जिनके दोनों वालदैन या एक फौत हो गए उनकी अरवाह को पहुँचा दो, मेरे जितने शागिर्द जितने उस्ताद जितने दोस्त दुश्मन मोमिन फौत हो गए सब की अरवाह को पहुँचा दो। ऐ अल्लाह इस बुहारी की बरकत से हमें हिदायत कामला दे दो, इस्तिकामत दे दो, हर गुनाह से हमें महफूज फरमा लो। ज़िंदगी ने वफा की तो ऐ रब्बे कायनात बार बार बुखारी शरीफ पढ़ाएंगे, ज़िंदगी ने वफा न की तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देना, कब्र को जन्नत का बाग बना देना। अल्लाह हमारा दुनिया के साथ वो ताल्लुक़ नहीं जो दुनियादारों का होता है, अल्लाह हमें आखरत की फ़िक्र है, तैयारी की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह इस बाग को हमेशा के लिए रवा दवा फरमा, इसमें बहारें रहें कभी खजाएं ना आए। ऐ अल्लाह तू जानता है कब हमारा रूह कब्ज़ होना है, खात्मा बिल ईमान फरमाना, अदाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह दुनिया में हम गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, जहाज़ों पे करते हैं, कश्तियों पे करते हैं, घोड़ों पे करते हैं, टांगों पे करते हैं, ऐ अल्लाह एक वो वक़्त है हमने जनाजे पे सवारी करनी है। अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह हम जहाँ जाते हैं लोग हलवा और पुलाव खिलाते हैं, एक वो वक़्त है कि अकेले हमें जंगल बयाबान में कब्र में रख के आ जाएंगे,
हमारी कब्र जो बरज़ख में है अल्लाह जन्नत का बाग बना देना, कब्र की दहशत और वहशत से महफूज रखना। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिज़ीनतिल कुरान, अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिज़ीनतिल ईमान, अल्लाहुम्मा रहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना फिल कब्र बादल मौत। ऐ अल्लाह, जो बैठे हैं जिनकी बेटियाँ बेटे फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालदैन और दोस्त फौत हो गए मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, बारान रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, बारान रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, बारान रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे जलाल की कसम उठा के कहता हूँ, मेरी गलत फहमी हो सकती है लेकिन मुझे महसूस हो रहा है इस बुखारी की वजह से, बुखारी शरीफ की वजह से रहमत बरस रही है। अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गलत बयान ही नहीं कर रहा, मेरा एहसास ये कह रहा है तू रहमत बरसा रहा है, नहीं भी बरसा रहा। अल्लाह रहमत बरसा दे, अल्लाह रहमत की बदली हम पे बरसा दे, अल्लाह रहमत की बदली हम पे बरसा दे, अल्लाह रहमत की बदली हम पे बरसा दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह, तेरी ज़ात की कसम, मुझे नहीं पता था आखिर में तू इतना फजल कर देगा जितना तू कर रहा है। अल्लाह, फिर गुनाह मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह नेकियां कबूल फरमा दे, अल्लाह हमारी और हमारी औलाद की जिंदगियां लंबी कर दे, अल्लाह पूरी उम्मत पे रहम और करम फरमा दे। अल्लाह, जितने तालिब इल्म बैठे हैं आलिम बामल, मुकर्रर बामल, मुदर्रिस बामल बना दे। अल्लाह, हमारे अजीज व अकारिब, अपने बेगाने जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े अनवर बहुत याद आ रहा है, जल्दी मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे, जल्दी मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे, जल्दी मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे, उससे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचा दे, उससे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचा दे। अल्लाह, मुझे वालदा की शफ़क़तें याद आती हैं, अल्लाहुम्मग़फ़िरहा, अल्लाहुम्मरहमहा, अल्लाहुम्मअइज़्ज़ा मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मअदख़िलहा फ़ी जन्नातिन नईम, अल्लाहुम्मा अदखिलहा फ़ी जन्नातिन नईम, अल्लाहुम्मा अदखिलहा फ़ी जन्नातिन नईम, अल्लाहुम्मा अदखिलहा फ़ी जन्नातिन नईम। अल्लाहुम्मा लतुफ़ बिना फ़ी तहसीर कुल आसीर, फ़इन्न तहसीर कुल आसीर अलैक यसीर, या रहमर राहिमीन इरहम लना। अल्लाह, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाई है, या रहमर राहिमीन इरहम लना, 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 या रहमर राहिमीन इरहम लना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना, अंत मौलाना 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 अंत मौलाना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना, अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना, फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।